चांद पर रखा कदम, सूरज से मिलाई आंखें, अब स्पेस में अपना घर बनाने जा रहा भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भारत के स्पेस प्रोग्राम ने बीते 8 दशकों में बड़ी तरक्की की है। भारत चांद पर कदम रख चुका है, उस जगह को चूम चुका है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। भारत ने मिशन आदित्य के जरिए सूरज से भी आंखें मिला ली हैं और अब हम स्पेस में अपना खुद का घर बनाने जा रहे हैं। गगनयान नाम से ह्यूमन मिशन लॉन्च करने के बाद इसरो साल 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS कहा जाएगा। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसे रूस अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है, दूसरा चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन है। अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बाद भारत अमेरिका रूस और चीन जैसी इंटरनेशनल स्पेस प्लेयर की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आइए समझते हैं क्या होता है स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं और भारत का स्पेस स्टेशन कैसा होगा, ये कब तक तैयार हो जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो स्पेस स्टेशन क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन कहते हैं। इसे एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए सभी सुविधाएं हो ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी ये स्पेस में मैन मेड स्टेशन होता है जहां धरती से कोई एस्ट्रोनॉट जाकर रह सकता है। इस स्टेशन में इतनी क्षमता होती है कि इस पर स्पेसक्राफ्ट उतारा जा सके। इन्हें पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। वैसे बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो इसे 2011 में बन करके तैयार किया गया और इसमें एक साथ 6 एस्ट्रोनॉट जो है वो रह सकते हैं। ISS को अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत कुल 18 देशों ने मिलकर के तैयार किया और इसके कंट्रोल यूनिट को रूस के रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो लंबाई है वो 109 मीटर है। आपने इंटरनेशनल स्पेस देखा होगा, अब बात करेंगे भारत का, कैसा होगा भारत का स्पेस स्टेशन। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए। भारत के स्पेस स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे। इन्हें अलग अलग मकसद जैसे एस्ट्रोनॉट के रहने, रिसर्च के लिए, कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा और शुरू में इसे 3 एस्ट्रोनॉट के रहने के लिए डिजाइन किया जाएगा, बाद में इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कुल मिलाकर 27 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होगा। इस स्पेस स्टेशन का जो वजन है वो 52 टन होगा। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में 400 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा और भारत के स्पेस स्टेशन में कई तरह के रिसर्च वर्क के लिए इंटीग्रेटेड रूम होंगे। इसमें एक लिविंग क्वार्टर्स होगा जहां 3 से 4 एस्ट्रोनॉट के रहने की जगह होगी और इसका लेबोरेटरी स्पेस साइंटिफिक प्रयोगों के लिए होगा। इसके कंट्रोल सेंटर में स्टेशन की मॉनिटरिंग और ऑपरेशंस को देखने के साथ एक्सपेरिमेंट्स को चलाने के काम होंगे। आपको बता दें कि ISS की तरह भारत के स्पेस स्टेशन में भी एक बड़ी सी खिड़की होगी और इससे एस्ट्रोनॉट स्पेस से धरती को देख सकेंगे, साथ ही स्पेस में हो रही एक्टिविटी की मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे। BAS डॉकिंग और बर्थिंग सिस्टम से भी लैस होगा। इससे स्पेसक्राफ्ट बड़ी आसानी से स्टेशन से जुड़ जाएंगे। यही नहीं, BAS बिजली पैदा करने के लिए रोल आउट सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और ये मिशन मार्च 2028 तक लॉन्च होगा और इस पर करीबन 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।